एतमादपुर में वार्ड नंबर 18 में निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक शर्मा पेशे से एक अध्यापक हैं। उनकी शालीनता और मेहनत को देखते हुए वे अपने वार्ड में सभासद की कड़ी में सभी को टक्कर देते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल अभिषेक शर्मा वार्ड नंबर 18 से निर्दलीय सभासद प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं और वह जनता के बीच जा जाकर वोट मांग रहे हैं। वहीं अभिषेक शर्मा के लिए तमाम महिलाओं ने जगह जगह वोट मांगे और अभिषेक को जिताने की बात कही। भैया ये नए प्रत्याशी आए हैं, ये पूरा वादा कर रहे हैं कि मैं जनता के साथ बहुत अच्छा काम करूंगा और इनको भी मौका दीजिए, देखते हैं 5 साल में ये क्या करवा रहे हैं। वैसे लगता नहीं आपको? नहीं, बहुत अच्छे हैं, कहते हो तो सब लोग हैं, नया है तो इनको इतना भी अनुभव नहीं, ये काम अच्छा करेंगे। जो नया आदमी आता है उसे इतना वो नहीं होता है तो वो काम अच्छा करता है। अब यहाँ की जनता तो देखते हैं, आप गलियाँ देख रहे हैं, ये घास खड़ी हुई है, ये कितनी मिट्टी पड़ी हुई है, नालियाँ साफ नहीं हो रही हैं, तो देख लिया यहाँ लोगों को, अब इनको देख लो इस बार, यानी विश्वास करना पड़ेगा। हाँ, इनको इन पे विश्वास करके देखो, 5 साल इनको मौका दो। आपने यहाँ तमाम सारी महिलाएं इनके साथ घूम रही हैं, कैसा लग रहा है? पिछले कई दिनों से काम में भी लगे हुए हैं तो अच्छा लग रहा है, लेकिन महिलाएं हैं, सपोर्टर भी हैं, कह रहे हैं कि देखो इनको मौका देंगे। हाँ। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं, जनता को काम करवाना होगा तो इनको सपोर्ट करेंगे। क्या नाम है आपका? निक्की। अच्छा, इनको शर्मा जी को कैसा साथ मिल रहा है? अच्छा मिल रहा है। क्यों मिल रहा है, क्या कारण है? चलो इधर आ जाओ, कौन बोलेगा? मेरा नाम विवेक है और ये जो अभिषेक शिवम सर खड़े हुए हैं वार्ड नंबर 18 से, जिनका चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज है, जो उग रहा है। देखिए, जो दो तीन समस्याएं हैं, जो मेजर समस्याएं आती हैं, जैसे कि गली बढ़ना, पानी की समस्या और थोड़ा बहुत एजुकेशन की, ये जैसे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको स्कूल जाने में दिक्कत आ रही है, तो उन सब का जो रास्ता प्रोवाइड कराना, रास्ता बनने के बाद गली होगी, पानी होगी, इन सब पे सबसे पहले जोर दिया जाएगा, जैसे कि उन्होंने बताया है। तो उसी लिए हम सब प्रयत्न कर रहे हैं इनको। कैसा काम करते हैं क्षेत्र में? अभी तक उन्होंने काफ़ी अच्छा किया है, यहाँ के लोग पूरा सपोर्ट दे रहे हैं और हम सब लोग साथ लेकर जीत जाएंगे। अभिषेक शर्मा जी वार्ड 18 में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, अभी लास्ट मूवमेंट चल रहा है, क्या कहेंगे उनके लिए, कैसे प्रत्याशी? ठीक है, अच्छे हैं प्रत्याशी, देख रहे हैं उनका प्रचार भी ठीक है, समय पे देखेंगे कैसा काम करेंगे, क्या करेंगे, विकास के लिए तो आगे लाएंगे ही, देखते हैं फिर जीत जाते हैं उसके बाद में क्या विकास करेंगे क्या नहीं करेंगे। ठीक है, बाढ़ की जनता ने क्या मन बनाया? अब प्रत्याशी इस समय 7 मैदान में खड़े हुए हैं, उसमें जो भी प्रत्याशी हैं सब अपने अपने मन में बने हुए हैं। अभी जनता का मन है, अभिषेक जी बाढ़ में घूम रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, समस्या हैं वो भी सबको दिखाई दे रही हैं, पिछले मेंबर ने कुछ किया नहीं, जात बिरादरी का यहाँ पे वोट है, जात बिरादरी पे आदमी निर्भर हो जाता है। अब की बार हम नए आदमी को चुनना चाहते हैं, क्या होता है कैसे होता है देखते हैं। वैसे लग रहा है कि विकास कराएंगे शर्मा जी, होने के बाद जीतेंगे, जरूर विकास कराएंगे, सुनेंगे, जरूर सुनेंगे। अब जितने दिन समय कम बचा है उतना काउंटडाउन उल्टा स्टार्ट हो गया हम लोग प्रत्याशियों के लिए, और जितने नज़दीक हम पहुंचते जाएंगे चुनाव के उतनी ज़्यादा हमारे आगे कुछ समस्याएं भी आएंगी और कुछ वादे और विवाद भी होंगे, पर हम अपने संयम से कार्य कर रहे हैं, हम किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं। कैसे प्रत्याशी हैं, आरोप ये लगाया जा रहा है कि खरीद फरोख्त होने वाली है या तमाम सारे प्रलोभन दिए जा रहे हैं जनता को, ऐसे चल रहा है। मैं देखो एक ही जनता से अपील करना चाहूँगा, जनता से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि अगर आप एक बार चुनाव के लिए अपना वोट बेच रहे हो तो वोट नहीं बेच रहे हो, आप अपना ईमान बेच रहे हो, जमीन बेच रहे हो, और अगले 5 वर्ष बाद जब दोबारा चुनाव होगा तो आपकी वैल्यू एक ब्रोकर के दलाल के नज़र में होगी, कोई भी आपको 500 में खरीद रहा है, दूसरा वाला 550 देगा तब भी आप बिक जाओगे, तो आप नहीं बिक रहे हो, आपका ईमान बिक रहा है, तो अगले वर्ष प्रत्याशी आपके घर नहीं जाएगा वोट मांगने के लिए, वो तो ये सोच लेगा ये तो बिका हुआ है, इसको तो गड्डी फेंकेंगे और खरीद लेंगे। तो मैं सभी जनता से ये कहना चाह रहा हूँ, सब समझदार हैं, सब पढ़े लिखे हैं, अपना ईमान ना बेकें और सोच समझ के चुनाव करें। मेरा चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज है, वार्ड नंबर 18 से मैं सभासद प्रत्याशी हूँ। विश्वास क्या लग रहा है, जनता कैसे सपोर्ट कर रही है? देखिए वो अभी मैं प्रत्याशी हूँ और जितने भी प्रत्याशी हैं सभी को अभी तो जीता जीता नज़र आ रहा है, कोई भी प्रत्याशी हारा हुआ नहीं है। अभी हम मैं आपके घर आऊँगा, आप भी मुझसे कहेंगे सर मेरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ है, भैया के पास जाऊँगा वो भी कहेंगे मेरा आशीर्वाद है, तो अभी हम लोगों को सब दिख रहा है कि हम सब जीते हुए हैं, पर जिस दिन रिजल्ट ओपन होगा उसी दिन स्पष्ट मालूम पड़ेगा भाग्य का हो जाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल।